सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं आज आप सभी को बताऊंगा ये डिवाइस कंट्रोल कैसे अप किया जाता है। मैं इतना घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, तो मैं आप सभी को शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो इसको हर कोई हटाने का, अभी हम लोग तो ऐसे करके हटाते हैं ना। सब्सक्राइब कर देना भैया, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत कम है सब्सक्राइब, मेरा सब्सक्राइब नहीं करते हैं कोई भी। तो यार बच्चा है, सोच के एक सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो ये डिवाइस कंट्रोल का बारे में सब कहते हैं कि अपना डिवाइस को कोई हैक कर रहा है, तो कोई कंट्रोल करके चला रहा है। ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही ऑन ही रहता है, वो ऑन होके रहता है। ठीक, तो कोई हैक वक नहीं है, क्योंकि अपना मोबाइल है तो खुद को पता होना चाहिए कि कब ऑन था कि नहीं। जब आप लिया तभी से ऑन ही होता है वो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको देखकर आपको लगता है कि इससे दिक्कत है, तो इसको हटा दीजिए, आप हाइड कर दीजिए। तो आपका बस जब भी देखोगे तो एक क्या है सोच के एक लाइक कर देना, और को सीधे स्क्रॉल डाउन करना है। डायरेक्ट डाउन करके आपको यहाँ कहीं नहीं देखना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है, थ्री डॉट में क्लिक करना है। बस सिंपल सा थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद ये एडिट टाइल्स में आपको क्लिक करना है। एडिट टाइल्स देखिए, बस। तो आप देखिए किस किस को आप हटाना है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। ठीक, तो आपको तो ये डिवाइस कंट्रोल को हटाना है, आपको ये डिवाइस कंट्रोल को हटाना है। सिंपल सा माइनस में, ये रेड माइनस है, माइनस में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फूस गायब, वहाँ अभी आपको दिखेगा नहीं। देखिए अभी आपको वहाँ दिखेगा नहीं, मैं आपको फिर ऐसे करके दिखाता हूँ। तो ये हाइड हो गया। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आगे जाना है, तो ऐसे कर दीजिए। तो फिर स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो अभी आप देखिए यहाँ है साइलेंट मोड, ब्लूटूथ, फ्लैश लाइट, हाँ, ऑटो रोटेट, पावर सेव, एरोप्लेन, आई कंफर्ट, लोकेशन, ये सब है। इतना सब नहीं बताऊंगा। तो देखिए इधर देखिए, यहाँ भी नहीं है, हॉटस्पॉट है, लाइव मोड, ये सब देखिए, इतना है। तो आपका वो चीज़ दिखेगा नहीं। तो कैसे लगा ये छोटा सा ट्रिक्स? अच्छे लगे तो फिर वंस अगेन, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो कर देना यार। बहुत कम ही देखते हैं, फिर भी जो भी न्यू व्यूअर्स है, एक सब्सक्राइब कर देना।